मॉर्निंग एवरीवन, क्या आप थुम्बा के बारे में जानते हैं? थुम्बा एक ऐसी जगह है जहां पर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और वो एक केरल में हमें देखने को मिलता है। और वहां के जो साइंटिस्ट होते हैं वो दिन में इतने काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उनके दूसरे काम के बारे में सोचने के लिए कोई फुर्सत ही नहीं मिलती। तो वहां के जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें से एक साइंटिस्ट को एक दिन शाम को 5 बजे अपने बच्चों को एग्जीबिशन पर लेकर जाना होता है। तो वो उसे भी तो वहीं से जल्दी निकलना पड़ेगा ना, तभी शाम को अपने बच्चों को एग्जीबिशन पर लेकर जा पाएगा। तो इसी बात के लिए वो अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें परमिशन मांगता है कि बॉस, आज शाम को मेरे बच्चों को एग्जीबिशन पर लेकर जाना है, क्या आपकी परमिशन है? तो जब उसके बॉस ये सुनते हैं तो वो जोर से उत्साहित होकर बोलते हैं, अरे जरूर जरूर, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ मस्ती करो, जाओ, मेरा परमिशन है। उसी वक्त साइंटिस्ट जो होता है वो खुश हो चुका होता है, उसके पास परमिशन मिल चुकी है, तो अब वो अपने काम में लग चुका होता है। जब वो काम में लग चुका होता है तो उस काम में इतना मगन हो चुका होता है कि जब वो अपनी घड़ी को देखता है तो क्या देखता है, 8 बज चुके हैं शाम के, और शाम के 8 जब बज चुके हैं तो उसे तो जाना चाहिए था 5 बजे, अब वो तो लेट हो चुका है। अब फटाफट अपनी ड्राइविंग कर के अपने घर में धड़ाक से पहुँचता है, अपने दरवाजा पर लॉक कर देता है, और दरवाजा खोलती है कौन, उसकी वाइफ। और जब उसकी वाइफ खोलती है तो सडन उसे पूछता है, बच्चे कहाँ गए? तो वो उसकी वाइफ कहती है, बच्चे तो घर पर नहीं है। तो बोलता है, फिर बच्चे कहाँ चले गए? तो वो उसकी वाइफ जो होती है फिर रिप्लाई करती है, आज शाम को आपके बॉस हमारे घर पर आए थे, वो कह रहे थे कि आपको फ़ोन नहीं लग रहा था, शायद आप किस काम में बिजी होंगे, इसीलिए वो हमारे बच्चों को एग्जीबिशन पर लेने के लिए जाना चाहा और वो अभी वहीं पर ही गए हुए। तो वो जो आदमी होता है वो हल्का सा मुस्कुराहट अपने चेहरे में लाता है, बैठ के बोलता है, मेरी बॉस को मेरी कितनी फिक्र है, मैं अवेलेबल नहीं हो पाया तो वो चले आए बच्चों को साथ लेने के लिए। वो सच में बहुत महान है और बाद में कोई सच में महान इंसान ही बन चुके। और जिस महान इंसान के बारे में मैं आप सबके बारे में बता रहा हूँ वो गौरवी, वो हमारे सबके चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की तो रियल लाइफ स्टोरी है। आप एक बार जरा सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ी सोच के बताइए, किसी भी बॉस ने जब अब्दुल कलाम ने उस साइंटिस्ट को परमिशन दे दिया कि अपने बच्चों को एग्जीबिशन पे लेके जाओ, ऐसा कोई भी बॉस बोल सकता है? पर खुद से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचना, ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। और मैं चाहता हूँ कि ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर भी आ जाए, तभी आपकी ज़िंदगी के हर एक कहानी को लोग सुना रहे होंगे पूरी दुनिया को, जैसे आज मैं अब्दुल कलाम जी की कहानी के बारे में सुना रहा हूँ। आप भी ऐसे अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को हर पल को इंस्पिरेशनल बनाइए, और जब आपने इस नॉलेज को गेन कर लिया है तो तुरंत तुरंत इसे अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, और इस वीडियो को जल्दी से अपने बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे सीख पाएँ और अपनी ज़िंदगी में लीडर बन पाएँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल द टाइम, अपग्रेड योरसेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।